नमस्कार आदाब, न्यूज़ 5 एम जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नज़र डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। दुर्गा पूजा के प्रतिमा विसर्जन के मद्देनज़र जमशेदपुर के उपायुक्त अनन्य मित्तल एवं वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल द्वारा मानगो स्थित स्वर्णरेखा घाट, डोबो घाट, दोमुआनी घाट, सती घाट, विद्युत सब स्टेशन घाट, बेली बोधन वाला घाट में प्रतिमा विसर्जन स्थल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने घाट पर प्रशासनिक व्यवस्था का जायजा लिया तथा तैयारियों पर संतुष्टि जाहिर की। सभी घाटों पर पर्याप्त विद्युत व्यवस्था, बैरिकेडिंग, साफ सफाई, गोताखोर की प्रतिनियुक्ति, लाइफ जैकेट की उपलब्धता, एम्बुलेंस के साथ मेडिकल टीम की तैनाती, विसर्जन रूट, घाट में डेंजर जोन, यातायात व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था आदि की समीक्षा कर संबंधित पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। हालांकि शनिवार को भी कई पूजा कमेटी ने विसर्जन किया। हालांकि अधिकांश पूजा कमेटी रविवार को विसर्जन करेंगे। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि विसर्जन के दिन ड्यूटी में लगाए गए संबंधित सुपर जोनल व जोनल मजिस्ट्रेट अपने अपने ड्यूटी स्थल का दौरा कर सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त कराएं। यदि किसी भी विसर्जन स्थल पर व्यवस्था में कोई कमी मिलती है तो रात्रि में ही स्थल निरीक्षण कर अपने संबंधित नोडल अधिकारी से समन्वय बनाकर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करा लें। उन्होंने निर्देशित किया कि मूर्ति स्थल से लेकर विसर्जन मार्ग व विसर्जन स्थलों पर सभी तैयारियां मुकम्मल हो, जिससे शांतिपूर्ण व व्यवस्थापूर्ण ढंग से प्रतिमा का विसर्जन संपन्न कराया जा सके। उन्होंने SDM धालबुंग एवं घाटशिला पुलिस क्षेत्राधिकारियों व थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए विसर्जन घाटों पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया जाए। उपायुक्त ने विसर्जन के दिन शांति व सद्भावपूर्ण वातावरण में प्रतिमा विसर्जन करने की अपील सभी पूजा समितियों से की। उन्होंने कहा कि प्रतिमा विसर्जन के लिए स्लॉट निर्धारित किया गया है, ससमय विसर्जन कर विधि व्यवस्था के संधारण में आवश्यक सहयोग करें। डेंजर जोन को चिन्हित करने, विसर्जन रूट में विचलन नहीं किए जाने, यातायात व्यवस्था सुगम बनाए रखने की बात कही, ताकि विसर्जन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को आवागमन में परेशानी ना हो। वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि विसर्जन घाटों पर सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील किया कि गहरे पानी में नहीं जाए, जिससे जनहानि की कोई संभावना बने। सुरक्षा के दृष्टिकोण से मजिस्ट्रेट पुलिस पदाधिकारी व पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति रहेगी। साथ ही सभी विसर्जन का ड्रोन से निगरानी के अलावा CCTV तथा वीडियोग्राफी से भी नजर रखी जाएगी। विसर्जन हेतु निर्धारित स्थल से नीचे पड़े वाहन को नदी की ओर नहीं ले जाए तथा सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था संधारण में आवश्यक सहयोग प्रदान करे। मौके पर ADM लॉ एंड ऑर्डर, SDM धालबुंग, SPCT, CO जमशेदपुर सदर, उपनगर आयुक्त, JNSC, जिला जमपर संपर्क पदाधिकारी, BDO जमशेदपुर सदर, जिसको के प्रतिनिधि व अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। हमारे पूर्वी सिंहभूम में कल सभी पूजा पंडाल समितियों के विसर्जन शेड्यूल्ड है और इसी सभी को लेकर आज SSP साहब और अपनी पूरी टीम के साथ हम लोगों ने घाटों का निरीक्षण किया है। यहाँ पर CCTV की व्यवस्था और साथ ही साथ बैरिकेडिंग, ड्रॉप गेट्स की व्यवस्था, इसके साथ साथ सारे क्षेत्र में जो भी सुरक्षा व्यवस्था हम लोगों को देखनी है उसका जायजा लिया गया। एक एक जाकर हम लोग सभी घाटों पर विजिट कर रहे हैं और सभी सुरक्षा व्यवस्था को सभी अधिकारियों के साथ हम लोग इंश्योर कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था और सभी व्यवस्था अभी तक पूर्ण पाई गई है। जो भी अगर कोई भी कमी होगी तो विसर्जन से पूर्व ही हम लोग उसको इंश्योर करेंगे। यहाँ पर 150 से ऊपर दंडाधिकारी पूरे शहर में है और पुलिस पदाधिकारी काफी मात्रा में यहाँ पर लगाए गए हैं। देखिए, जितने भी विसर्जन घाट हैं सभी का लगातार वरीय पदाधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया गया है और तमाम सुरक्षा के इंतजाम रहे, इसकी पूरी पूरी कोशिश की गई है कि जो भी पानी का स्तर है वहां पर डेंजर मार्क लगा रहे। इसके अलावा गोताखोरों की व्यवस्था की गई है प्रत्येक घाट के लिए और सभी जगह पर यह सुनिश्चित किया गया है, खासतौर पर वैसे घाट जहाँ पर बहुत ज्यादा स्लोप है उस जगह पर एक पॉइंट के बियॉन्ड गाड़ियां ना जाएं, इसको लेकर के बैरियर्स लगाए गए और हर जगह पर बैरिस्टेडर फोर्सेस की पर्याप्त संख्या प्रतिनियुक्ति की गई है, लाउड स्पीकर्स लगाए गए हैं और इसके अलावा CCTV कैमरे की भी व्यवस्था की गई है। तो कल सुबह से ही हमारे जवान, हमारे पदाधिकारी तैनात रहेंगे, जिससे कि जब तक विसर्जन प्रक्रिया संपन्न नहीं हो जाती है तब तक सभी के सभी चौकसी के साथ अपनी ड्यूटी करते हैं। एम्बुलेंस की व्यवस्था सभी जगहों पर की गई है, ग्रेन्स की व्यवस्था भी जो है जितने भी हमारे घाट हैं वहाँ पर, जो बड़े घाट हैं वहाँ पर की गई है। अगर किसी प्रकार की आपात स्थिति उत्पन्न होती है तो चिकित्सकीय सहायता के लिए एम्बुलेंसेस उपलब्ध हो और विसर्जन के दौरान किसी प्रकार की कठिनाई हो तो क्रेन्स वहाँ पे मौजूद।